इस वीडियो में हम देखेंगे एक आर्टिकल में जो एनसीईआरटी में गिवन है ऑन परमिटिविटी एंड परमीएबिलिटी, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये आर्टिकल है। देखते हैं इसे। इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी से दैट एनी टू पॉइंट मासेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन देम। वी राइट इट एज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर दो पॉइंट मास है, पॉइंट मास जरूर नहीं कि वो पॉइंट मास हो, कोई भी मास जिसका हम पॉइंट उसको पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन मास का यूनिफॉर्म है तो हम उसे पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं। तो इनमें जो फोर्स लगता है वो हमें पता है, वो फोर्स गिवन होगा F G m1 m2 r स्क्वायर, जिसमें जो इनके बीच में जो इनके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो r होता है। m1 पहली ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरी ऑब्जेक्ट का मास, और जो इसमें g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इस तरह ये दिया जाता है, ये हम जानते हैं। सिमिलरली इन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वी राइट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर एस F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो उसमें दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अगर आर इनके बीच में डिस्टेंस है और ये Q1 Q2 चार्जेस है, वो फोर्स गिवन होता है इस तरह F के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें जो K होता है वो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, और जो इसके बाद जिसमें जो K है इन ऐसा यूनिट K इज टेकन एज 1/4πε, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसमें जो के को हम एक्सप्रेस करते हैं 1/4πε0। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये परमिटिविटी क्या शो करती है कि जो मीडियम है, यानी कि जो भी हमारे चार्जेस है उसके अराउंड जो मीडियम है उस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करेगा। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं था, इसमें इफेक्ट करेगा। और कितना ये पोलराइज हो जाता है, ये जो मीडियम है इनके बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो हमारे चार्जेस, उनके बीच में जो मीडियम है वो कितना पोलराइज हो जाता है, और उस पोलराइज होने के कारण वो क्या करेगा, जो फोर्स है उस इफेक्ट को, ये चार्ज जो इस पर फोर्स लगा रहा है उसको कम कर देगा। तो एप्सिलॉन एक तरह से समझ सकते हैं कि कितना परमिटिविटी, कितना उस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको डिक्रीज कर रही है, कितने अमाउंट से डिक्रीज कर रही है, वो एप्सिलॉन है हमारा। सिमिलरली तभी ये अपॉन में, 1/एप्सिलॉन में, अपॉन में है इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली अगर हम देखें इसमें तो ऑल्सो इन मैग्नेटिज्म वी गेट अनदर कॉन्स्टेंट विच इन ऐसा यूनिट इज टेकन एज μ/4π, वेयर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर मैग्नेटिज्म में हम देखें तो मैग्नेटिज्म में एक क्वान्टिटी आएगी μ/4π, ये कॉन्स्टेंट आएगा, इसमें म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है, और म्यू क्या शो करेगा कि कितना जो मीडियम है, फिर से दो मैग्नेट के बीच में, तो मैग्नेट के बीच में कितना जो मीडियम है वो कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि जितना म्यू होगा, जितना म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटाइजेशन या उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट होगा, उतना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट होगा दो मैग्नेट के बीच में। ऑल्दो जी एप्सिलॉन म्यू अराइज एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। While the gravitational force does not depend on the intervening medium, the electromagnetic force depend on the medium between the
टू चार्जेस और मैग्नेट। तो जैसा मैंने अभी बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो डिपेंड नहीं करता मीडियम में, उनके दो मासेस के बीच में कितना क्या मीडियम है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच में, दो मैग्नेट के बीच में या मूविंग चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, वो मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इफेक्ट करता है। और वो इफेक्ट किस तरह से हम उसे शो करेंगे, एप्सिलॉन और इस फैक्टर से, एप्सिलॉन और म्यू, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, इन फैक्टर से वो शो करता है, इफेक्ट करता है। हैंस वाइल जी इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, म्यू एंड ई, एप्सिलॉन एंड म्यू डिपेंड ऑन द मीडियम, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मीडिया। यानी कि जी की एक परमानेंट फिक्स वैल्यू है, लेकिन जो एप्सिलॉन और म्यू है उनकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है और डिफरेंट मीडियम के लिए वैल्यू डिफरेंट है। दे हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मीडियम, द प्रोडक्ट एप्सिलॉन म्यू टर्न्स आउट टू बी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ वी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द मीडियम थ्रू एप्सिलॉन म्यू इज इक्वल टू 1/v². तो जो म्यू और जो एप्सिलॉन और म्यू है, परमिटिविटी परमिएबिलिटी, इनका जो प्रोडक्ट है वो रिलेटेड है 1/v², जिसमें v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस तरह से ये रिलेशन हमें फाइंड आउट हुआ है। आगे देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय अ मीडियम। तो एप्सिलॉन, जैसा मैंने अभी बताया, ये डिस्क्राइब करती है कि कोई भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो मीडियम, किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मीडियम कितना इफेक्ट डालता है। इट इज़ डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू पोलराइज इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फील्ड। अगर एक फील्ड अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, तो वो मीडियम कितना पोलराइज होगा, एंड देयर बाय टू कैंसल पार्शली द फील्ड इनसाइड द मटेरियल। और क्योंकि ये पोलराइज होगा, जैसे हम पोलराइज देख चुके हैं, तो पोलराइज होने के कारण क्या करेगा, इस फील्ड को या फिर इस फोर्स को क्या करेगा, वो कुछ कैंसल आउट कर देगा। तो यानी कि एप्सिलॉन डिक्रीज कर देता है फोर्स या फील्ड को, जो भी मीडियम का एप्सिलॉन है। सिमिलरली मैग्नेटिक परमिटिविटी, म्यू इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू क्या है कि वो जो मैग्नेट है या मूविंग चार्जेस है उनके बीच में मीडियम क्या है, उनके बीच में क्या मीडियम है, और वो मीडियम क्या करेगा, कितना वो मीडियम मैग्नेटाइज हो जाता है। और मैग्नेटाइज होने के कारण इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट मैटर। और कितना मैग्नेटाइज होगा, इसलिए वो जितना ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेट कर देगी इस मीडियम को। तो म्यू की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी।